बसमिल्लर अल्लाम माय डियर स्टूडेंट्स लेक्चर का आगाज़ करते हैं बहुत ही खूबसूरत दुआ के साथ रब्बे रबनी माय डियर स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सेफ ट्रांसक्शन का लफ्स लिखा था उसको हमने बहुत डिटेल से डिस्कस नहीं किया था आई आज हम इस प्रोसेस को दैट इज़ एनदर टाइप ऑफ सेक्शल रिप्रोडक्शन मीन्स ट्रांसटक्शन

रिसर्च करके हमें ये बात बताई कि बैक्टीरिया में जीन की ट्रांसफ़र का ये वाला मेथड भी प्रेजेंट है जिसे हम ट्रांसक्शन कहते हैं और वो दो साइंटिस्ट थे लेडरबर्ग एंड जाइंडर इन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट्स करके हमें ये बात बताई कि बैक्टीरिया जिसे हम कहते हैं डोनर उससे जीन्स एक थर्ड पार्टी के थ्रू एक और बैक्टीरिया की बॉडी में ट्रांसफर हो सकते हैं ट्रांस मींस मूवमेंट फ्रॉम वन सेल टू अदर सेल जहां से जीन मूव कर रहे हैं वो है डोनर बैक्टीरिया और जहां पर मूव कर रहे हैं वो है रेसिपिएंट बैक्टीरिया जाहिर है अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पे जाना चाहते हो तो यू हैव टू अ वीकल और वो जो वीकल है यहाँ पे दैट इज बेसिकली नन अदर देन द वायरस तो जो थर्ड पार्टी यहां पे इस्तेमाल होती है दैट इज बेसिकली वायरस। यू गॉट माय पॉइंट इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए सारी बातें आपने पहले पढ़ी हैं आपको पता है दोबारा से रिवाइज करवा रहे हैं कि जो विरुलेंट वायरस है या फेज है या बैक्टीरियो फेज असेंबली ये आके सबसे पहले लैंड करता है ऑन द सरफेस ऑफ द बैक्टीरियम लैंड करने के बाद आपको पता है कि यहां पे प्रॉपर बॉन्डिंग होती है और उस बॉन्डिंग के रिजल्ट में ये वाला फेज अब इस बैक्टीरिया से जुदा नहीं हो सकता राइट यानी कि अगर मैं इसे किसी एजिटेटर में डाल के भी इसे उतरने की कोशिश करूंगा तो अब नहीं उतरेगा ये अब इस पर्टिकुलर वायरस को देखें तो इसके पास इसका अपना डीएनए या आरएनए शामिल है जिसे हम लोगों ने रेड मार्कर से क्या किया हुआ रंग असाइन किया हुआ है ड्रॉ किया हुआ और जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसे हमने बैक्टीरिया की तरह से ब्लैक ही ड्रॉ किया है बैक्टीरियल डीएनए इज ब्लैक एंड वायरल डीएनए इज रेड अगली फेज में क्या होगा अगली फेज में नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी दैट इज कॉल्ड एज अ पेनिट्रेशन और उस पेनिट्रेशन के रिजल्ट में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि दिस पर्टिकुलर वायरस अंडरगो द देशन ऑफ इट्स टेल और उसके रिजल्ट में जैसे हम जैसे हम इंजेक्शन के थ्रू मेडिसिन डाल रहे होते हैं वैसे ही समझ लें उसी प्रोसेस से ये वाला वायरस अपने डीएनए को बैक्टीरिया की बॉडी में इंजेक्ट कर देगा यूजिंग सर्टेन एंजाइम्स दैट कैन मेक होल इन द वॉल्स ऑफ द बैक्टीरियल बॉडी अगली फेज में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स कि ये जो वायरस का डीएनए है हमने सब लंबा करके दिखाया आप लोगों को ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो जाए ये अपने आप को इस पर्टिकुलर बिटीर डीएनए के अंदर शामिल कर लेगा दिस इज कॉल्ड एस इनोकुलेशन इनोकुलेट कर लिया उसको दाखिल कर लिया अपना हिस्सा बना लिया नाउ दिस पर्टिकुलर वायरस बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू सम ऑफ मास्टर-स्लेव रिलेशनशिप तो ये बन जाएगा आका मास्टर और बेटी जो यू कैन से बायो मशीन है इट विल बिकम द स्लेव नॉ दिस बिटीरियल बायो मशीन इट विल मेक एवरी थिंग नॉट फॉर द बैक्टीरिया बट फॉर द वायरस यानी कि अब जो डी एन ए बनेगा वो भी वायरस का होगा या आर एन ए बनेगा वो भी वायरस का होगा और जो प्रोटीन कोड्स हैं वो भी किसके होंगे वायरस के होंगे बैक्टीरियल बॉडी विल बी फिल्ड विदर ऑफ नंबर ऑफ वट वायरॉइड्स और उनके अंदर जाहरे दो चीजें शामिल हैं बाहर प्रोटीन कोड और अंदर वायरस का अपना डीएनए ये तो हम देखते हैं आम केस में लेकिन जो इस वक्त हम केस स्टडी कर रहे हैं वो एक स्पेशल केस उस केस में आप देख रहे हैं कि इस वायरोइड के अंदर अगर मैं जरा गौर से देखूं तो मुझे दो किस्म का डीएनए नज़र आ रहा है लेकिन साथ वाले केस में देखा जाए तो मुझे एक किस्म का डीएनए नज़र आ रहा है इसका मतलब यह है कि इट इज प्योरली अ चांस एक चांस एक प्रोबेबिलिटी है कि बहुत से वायरसेस के अंदर सिर्फ वायरसेस का अपना डीएनए एन आए और बहुत से वायरसेस में ऐसा भी हो सकता है कि बैक्टीरिया के डीएनए सॉरी वायरस के डीएनए के साथ बैक्टीरिया का डीएनए भी शामिल हो जाए मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए कि बहुत दफा ऐसा भी हो सकता है कि इस जैसा कि इन वायरसेस में नज़र आ रहा है कि वायरस के पास सिर्फ अपना ही डीएनए प्रेजेंट है दैट इज ऑफ रेड कलर लेकिन अगर आप इन दो वायरसेस को देखें तो यहाँ पे वायरस के अपने डीएनए के साथ बैक्टीरिया का ब्लैक डीएनए का फ्रेगमेंट भी शामिल हो गया है तो इस किस्म के वायरस को के जिसमें वायरस का सिर्फ अपना डीएनए शामिल है इसे हम लोग पेरेंटल वायरोइड्स का नाम देते हैं लेकिन वो बड़े वायरसेस के जिनके पास अब बैक्टीरिया का डीएनए भी शामिल हो गया है उन्हें हम लोग रिकॉम्बिनेंट वायरसेस का नाम देते हैं या हम लोग उन्हें क्या बोलते हैं प्रो वायरसेस तो ये वाले वायरसेस अब क्या करेंगे कि ये इसकी बॉडी में से रिलीज हो जाएंगे रिलीज होने के बाद ये वाले प्रोवायरसेस अब रेडी हैं टू तो इन्फेक्ट द अदर वायरस अदर बैक्टीरिया ऑफ द सेम कॉलोनी देखते हैं कि अगर ये वाले वायरसेस अब जाके दूसरे बैक्टीरिया को अटैक करेंगे तो उनके साथ ये क्या सलूक करेंगे इसके लिए वी डियर स्टूडेंट्स तो तो yes, बात हो थी आप लोगों के साथ कि ये जो वायरसेस अब वहाँ से रिलीज हुए हैं ये वाले वायरसेस क्या करेंगे जाहिर है ये एक नए वायर बैक्टीरिया के ऊपर जा अटैक करेंगे जिस बैक्टीरिया पे जाकर ये अटैक करेंगे उनको हम लोगों ने ब्लू कलर से डिज़ाइन किया है या ड्रॉ किया है सो दैट कि आपको पता चले कि प्रीवियस बैक्टीरिया से ये वाले बैक्टीरिया डिफरेंट है बिकॉज कि जो प्रीवियस बैक्टीरिया थे वो ब्लैक थे उन्होंने अपने जीन को दिया वायरसेस को तो वो कहलाएंगे क्या डोनर और अब इस बैक्टीरिया में जाके ये वाला जीन इंसर्ट हो रहा है तो जिस बैक्टीरिया में जीन रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड एज अ रेसिपिएंट बैक्टीरियम तो आप देख रहे हैं यहां पर कि इस वाले केस में हम लोगों ने रेसिपिएंट बैक्टीरियम के डीएनए को ब्लू कलर से ड्रॉ किया है राइट अब देखें कि नंबर वन पे क्या होगी अटैचमेंट नंबर टू पे क्या होगी पेनिट्रेशन और पेनिट्रेशन के रिजल्ट में अब इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया में तीन किस्म का डीएनए शामिल हो गया है ज़ाहिर एक ब्लू कलर का डीएनए जो बैक्टीरिया का अपना है ब्लैक कलर का डीएनए जो डोनर का डीएनए है और थर्ड रेड डीएनए जो वायरस का डीएनए है राइट अब ये तीनों के तीनों इनोरेशन फेजाने के, के बाद मेरे पास एक और रिकॉमिनेट डीएनए बना देंगे अब इस पर्टिकुलर वायरस को जो कि यहाँ पे अब डेवलप होगा या डेवलप हो चुका है उसे अब लोग नाम देते हैं क्या उसे हम नाम देते हैं टेम्परेट वायरस टेम्परेट वायरस मेरे पास एक ऐसा वायरस होता है जो चाहे तो लाइसोजेनिक स्टार्ट कर ले और शो करे होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप इसका मतलब होगा कि इस वाले केस में जो वायरस है वो बैक्टीरिया के साथ रहेगा और जब जब वायरसेस डिवाइड बैक्टीरिया डिवाइड होंगे तो वायरस का डीएनए भी साथ ही डेप्लीकेट हो जाएगा तो ये कहलाता है मेरे पास लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल लेकिन प्रीवियस केस की तरह से ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला वायरस बेटीरियल मिशीनरी को पूरी तौर पे ऑक्यूपाई कर ले और लाइटिक लाइफसाइकिल स्टार्ट कर ले तो एक ऐसा वायरस जो टेम्परेट जो लाइसोजेनिक और लाइटिक दोनों लाइफ साइकिल ऑपरेट कर सकता है दैट इज कॉल्ड एज अ टेम्परेट फेज राइट तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से होल प्रोसेस कि इसके रिजल्ट में तीन किस्म का डीएनए बना और ये तीनों किस्म के डीएनए की वजह से अब ये जो मेरे पास बैक्टीरियम है उसमें बहुत से जीन्स डोनर के एक्सप्रेस हो सकते हैं और बहुत से जीन रेसिपियर के एक्सप्रेस हो सकते हैं तो कहने का मकसद माय डियर स्टूडेंट्स ये है कि आपको पता है कि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की सी ऐसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट किस् दो डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स के डी आपस में मिल जाते हैं तो आपने देखा यहाँ पर कि यहाँ ब्लैक डी और ब्लू डी आपस में मिल गया है ठीक है तो जब दो डिफरेंट किस्म के डी एन आपस में मिले इसका मतलब है दो डिफरेंट वरायटी की जीन्स आपस में मिल गई और हमारे पास जेनेटिक वेरिएबिलिटी प्रोड्यूस हुई और ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है इसी को तो हम लोग क्या नाम देते हैं सेक्शल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड दैट इज़ कॉल्ड एस ट्रांसट्रक्शन इसका फ़ायदा मेरे पास यही है कि मोर जेनेटिक कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस होंगे और ये वाले बैक्टीरिया और उनकी स्पीशीज ज़्यादा देर तक इस चेंजिंग और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एग्जिस्ट करवाने में कामयाब हो जाएंगे